हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज एन एजे अपग्रेडिंग ईयर। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल दैट इज एन रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ओके, उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है हमने हमारे लास्ट वीडियो में कवर किया था। इफ आपके पास वो वीडियो नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या जो आई बटन है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे प्रैक्टिकल के प्रीवियस प्रैक्टिकल को देखने के लिए सेम जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंटरप्राइज जावा प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट एंड एंड ऑफ द सेशन भी आपको प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा ईजे प्रैक्टिकल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं इसके अंदर, सेम प्रोसेस करने वाले हैं। गो फॉर फाइल्स, न्यू प्रोजेक्ट, इन अ न्यू प्रोजेक्ट जावा वेब, वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट। After creating a web application, ये first time इस system के ऊपर कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा time consume कर रहा है project create करने के लिए। okay. Then project का नाम that is the web application one है, तो इसको change करते हैं web application request dispatcher। okay. जो हमारा practical purpose है, बाद में भी हमें समझ में आना चाहिए किस पर्पज के लिए हमने किया था, तो उसके लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर वेब एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है हमें। देन फिनिश। आफ्टर फिनिश आपको यहाँ पे एक इंडेक्स वाला पेज आ जाएगा, जैसे index.html। इस पेज के ऊपर हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा डिवीजन होगा उसके बाद कोड ऐड करना है, दैट इज अ लॉग इन फॉर्म। इसको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम एग्जाम्पल ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। देन यहाँ पे जो सिमिलर हमने लास्ट प्रैक्टिकल में किया था, फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म स्मॉल में होता है फॉर्म। देन फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, सेम जो हमने यहाँ पे एक्शन देने, एक्शन एक्शन इज इक्वल टू क्या था, क्या होता है एक्शन के अंदर, कौन सा फील्ड या कौन सा डेटा हम फिल करते हैं। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा, आप मैसेज करके बता सकते हो। एक्शन के अंदर क्या डिटेल आने वाली है, ओके राइट, सर्वलेट नेम। तो यहाँ पे हम दो वे से लिख सकते हैं, जैसे सर्वलेट वन लिखो या लॉग इन फॉर्म के ऊपर हम, या लॉग इन डिटेल्स के ऊपर लॉग इन सर्वलेट होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग इन सर्वलेट। ओके, देन एक्शन, सॉरी मेथड, एक्शन के बाद मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट मेथड हमने यहाँ पे ऐड कर दी। देन लॉगिन के लिए क्या लगने वाला है हमें, नेम, नेम के बाद उसका इनपुट फील्ड, देन पासवर्ड, ये पासवर्ड के साथ उसका फील्ड, इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड में हम डेटा किस तरह से पास करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, कौन से टाइप में हमें डेटा इंसर्ट करना है। देन पैरामीटर्स नेम, जस्ट लाइक नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं उसको फेच करने वाले हमारे सेशन के अंदर इन अ रिक्वेस्ट। देन नेक्स्ट दैट इज अ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, देन नेम इक्वल टू पासवर्ड, ये हो गया हमारा नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आफ्टर दैट
सबमिट बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट ए, और इसको नेम देख सकते हैं वैल्यू, दैट इज देन लॉग इन, ओके क्लोज। इन ऑल में यहां तक प्रोसेस सबको पता है, ओके सब फैमिलियर इस प्रोसेस से। इधर तक स्टेप समझ में आया सबको, क्या करना था, लॉगिन फॉर्म हमने नॉर्मल क्रिएट कर दिया तो ये शो हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए इसको थोड़ा सा बी आर टैग देते हैं, सेव करते हैं। देन नेक्स्ट राइट क्लिक ऑन ओ प्रोजेक्ट, जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है आपका प्रोजेक्ट, फिर उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन अ न्यू सर्वलेट, ओके। अभी यहाँ पे सर्वलेट हमें क्या क्रिएट करना है, जैसे जो हमने लॉग इन फॉर्म के लिए दिया है लॉग इन सर्वलेट वहां पे हम इंसर्ट करेंगे। न्यू सर्वलेट दैट इज एन लॉग इन सर्वलेट, ओके, एंड उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट फिनिश। तो ये हम यहाँ पे हमारा लॉग इन सर्वलेट क्रिएट हो गया। सो आफ्टर दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लॉग इन सर्वलेट है उसको प्रोसेस करना है, इन द सेंस नॉर्मल जो पोस्ट मेथड हमारा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको पोस्ट करेंगे। तो उसके पहले यहाँ पे हमें हेडर फाइल एड करना, दैट इज जावा इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ, क्योंकि डेटा इनपुट आउटपुट हो रहा है, जैसे वन पेज से नेक्स्ट पेज के ऊपर हम फेच करने वाले हैं, तो उस पर्पज के लिए इनपुट आउटपुट जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होने वाला है उस पर्पज के लिए हम यहाँ पे जावा इनपुट आउटपुट यूज करने वाले। देन नेक्स्ट दैट इज इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, देन थर्ड पैकेज दैट इज इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी डॉट स्टार, ओके। इसके अकॉर्डिंगली तीन पैकेज हमने ऐड कर दिए। नेक्स्ट जो हमारा लॉग इन सर्वलेट होगा उसके अंदर क्या करेंगे, डू पोस्ट, जो डू पोस्ट वाला मेथड है पर्पजली एक ही काम इसके अंदर हमें करना है कि डेटा सेंड करना है टू अ नेक्स्ट पेज, इन द सेंस जो दो मेथड हमने देखे थे फर्स्ट फॉरवर्ड एंड सेकेंड इंक्लूड, ओके, दोनों मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो उसको यूज करने के लिए हम जो डू पोस्ट हमारे मेथड है लाइन नंबर 74, ओके, याद रख सकते हो कि इफ किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ पे इंसर्ट करना है तो याद रखो लाइन नंबर 74 वहां पे हमारा डू पोस्ट मेथड है। तो वहां पे प्रोसेस रिक्वेस्ट जस्ट लाइक जो आपको होगा तो उसको डिलीट करना है या कमेंट कर सकते सिंपली, इफ आपको लगेगा फिर से लग सकता है उसकी जरूरत तो उसको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। एंड जो कोडिंग वाला पार्ट है हमारा यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो कोड करने के लिए फर्स्ट क्या था हमारे पास, लास्ट इसमें किए थे सभी स्टेप्स वहां पे फिर से यहाँ पे करने हैं। तो फर्स्ट दैट इज अ रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेक्स्ट टाइप, सेट कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या था लास्ट इसमें, HTML सॉरी टेक्स्ट स्लैश HTML, ओनली HTML नहीं है, टेक्स्ट स्लैश HTML ऐसा जो रिस्पॉन्स टाइप है, क्योंकि टेक्स्ट ही डेटा हमें यहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिसीव एंड फॉर रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट पर्पज यूज करने वाले, तो रिस्पॉन्स कौन से टाइप में होने वाले है हमारा दैट इज एंड टेक्स्ट फॉर्मेट में हम रिस्पॉन्स देने वाले। देन नेक्स्ट जो हमारा होगा क्या होगा, प्रिंटर राइटर, ओके, प्रिंटर राइटर क्यों यूज करते हैं हम, एनीबॉडी क्यों यूज करते हैं, फॉर आउटपुट, ओके, जो आउटपुट वाला हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंटर राइटर यूज करते हैं। तो प्रिंटर राइटर आउट ए ऑब्जेक्ट होगा, देन रिस्पॉन्स डॉट गेट राइट,
के जो रिस्पॉन्स की मेथड है वो यहाँ पे हमने यूज कर दी एंड उसके अकॉर्डिंगली गेट राइट इसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली हम क्या करेंगे आउट ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे एंड जो हमारा आउट डॉट प्रिंट एल एन होगा उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फिर देन नेक्स्ट द स्ट्रिंग एन ओके एन स्टैंड फॉर नेम नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स. गेट पैरामीटर्स नेम के यहाँ पे कौन सा नाम आने वाला है सेम जो आपने पास किया है नाम दैट इज अ यूजर नेम. इफ ए नेम चेंज हो गया क्योंकि केस सेंसिटिव है इज एज इट इज होना चाहिए एंड या तो को स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए. स्ट्रिंग का एस कैपिटल स्ट्रिंग नेम हो गया देन पासवर्ड फॉर पी देन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड जो हमारा क्या था यूजर पासवर्ड. राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड. इफ किसी को डाउट होगा सिंपली इंडेक्स पेज पे जा सकते हो यहाँ पे चेक कर सकते हो यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड सेम कीवर्ड यहाँ पे आपको लिखना है. इफ कंफ्यूजन हो रहा होगा सिंपली क्या करो कॉपी पेस्ट कर दो कीवर्ड को यूजर नेम एंड पासवर्ड तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे. देन नेक्स्ट क्या करने वाले हम कुछ चेक करेंगे. पी पासवर्ड इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए सर्वलेट. ओके जो भी डिफरेंट कंडीशन हो सकती है बट यहाँ पे हम क्या करेंगे पासवर्ड चेक करेंगे. इन द सेंस पासवर्ड के लिए कंडीशन दे रहे एज इट इज कि जस्ट लाइक एक्चुअल में जिस तरह से होगा उसके अकॉर्डिंग. इफ हमारा पासवर्ड मैच हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि उसको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे अदरवाइज सेम जो हमारा फर्स्ट एचटीएमएल पेज था वहां पे उसको रिडायरेक्ट करेंगे. सिंपल कि पासवर्ड के इसके अंदर हमने कुछ लॉजिक एक्स्ट्रा बिल्ड नहीं किया फॉर एन लॉग इन पर्पज. तो सिंपली हम क्या करेंगे पासवर्ड इज इक्वल टू सर्वलेट है क्या नहीं चेक करेंगे क्या या आपके अकॉर्डिंगली क्या पासवर्ड होना चाहिए आप बता सकते हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं कोई इशू नहीं कि आपके अकॉर्डिंगली कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे लग सकते हो. सो तो यहाँ पे हम लिखते सर्वलेट. फर्स्ट हमने लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया वो समझ में आया सबको. लॉगिन फॉर्म इन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओके. सेकेंड अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि दो पैरामीटर्स लिए जो रिक्वेस्ट स्ट्रिंग एन एंड स्ट्रिंग पी. ओके स्ट्रिंग एन स्टैंड फॉर नेम एंड पी स्टैंड फॉर पासवर्ड. ओके पास ये समझ में आया. स्ट्रिंग लिया स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू हमने पास कर दी नेम एंड पासवर्ड. ओके देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें पासवर्ड क्या चाहिए कि हमने प्रॉपर लॉग इन जो हमारा डेटा बेस है वहां से कंपेयर नहीं करें हम सिंपली यहाँ पे एक नॉर्मल छोटा सा लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे तो उस पर्पज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा नेम एंड पासवर्ड होगा. ओके तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशन दे रहे कि स्पेसिफिकली हमारा पासवर्ड क्या होना चाहिए. ओके नेम कुछ भी हो या नेम के लिए भी आपको कंडीशन देना है तो इफ करके आप कंडीशन दे सकते हो. ओके इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच होगा तभी हम क्या करेंगे हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हैं. सो इफ पासवर्ड मैच हो गया इन द सेंस जो यूजर है उसके क्रेडेंशियल मैच हो जाएंगे एंड देन हम क्या कर सकते हैं हमारा जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा एंड आपको वेलकम सर्वलेट उस पेज के ऊपर आप जाओगे एंड वेलकम यूजर का मैसेज आपको डिस्प्ले होगा. ओके इफ आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग हो गया देन हम क्या करेंगे अगेन रीडायरेक्ट टू हमारा एचटीएमएल वाला पेज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज के ऊपर आप फिर से रीडायरेक्ट हो जाओगे. तो फॉरवर्ड विद द सेम डेटा एंड बैकवर्ड इन द सेंस इंक्लूड मेथड यूज करेंगे हम उसके लिए. ओके दोनों मेथड भी हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज अ फॉरवर्ड मेथड एंड जो हमारा इंक्लूड मेथड है. ओके समझ में आया कि किस तरह से यूज करना है हमें वो देखते हैं यहाँ पे. सो फॉर एंड फॉरवर्ड रिक्वेस्ट डिस्पैचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसकी मेथड लिखनी पड़ेगी दैट इज द रिक्वेस्ट
डिस्पैचर ओके देन उसका ऑब्जेक्ट आरडी इक्वल टू गेट इक्वल टू रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर एंड पाथ ओके देन यहाँ पे हमें क्या करना है पाथ असाइन करना है तो पाथ इन द सेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा आरडी पाथ इन द सेंस यहाँ पे आएगा जो सेकंड सर्वलेट का नेम होगा ओके सो दैट इज एन वेलकम इसलिए हमने मेथड के अंदर दिया था कौन सी मेथड सॉरी एक्शन के अंदर दिया था इनफॉर्म टैग कि हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है तो यहाँ पे कहेंगे वेलकम सर्वलेट या सर्वलेट वन सर्वलेट टू जो भी आपने नाम दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली वेलकम सर्वलेट के ऊपर क्या होना चाहिए रीडायरेक्ट होना चाहिए विद द पैरामीटर्स हम यहाँ पे पास करेंगे तो पैरामीटर्स के लिए आरडी डॉट फॉरवर्ड मेथड आरडी डॉट फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड के अंदर क्या होगा आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू यहाँ पे पास होने वाली है ओके यहाँ पे फर्स्ट ओनली रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी रिस्पॉन्स नहीं हम कोई भी पास करें सिर्फ रिक्वेस्ट पास करें बट ए फॉर्मेट है तो उसके लिए आपको दोनों भी कीवर्ड यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे इफ हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स कंटेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली पास करना होगा तो भी डेटा हम यहाँ पे पास कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा नेक्स्ट इसमें फेच करेगा देन सेकेंड दैट इज एल्स इफ हमारा पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना है तो फर्स्ट हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे दैट इज आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या मैसेज होगा हमारा सिंपल कि पासवर्ड मैच नहीं हुआ सिंपल है यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनवैलिड कोई भी आपके अकॉर्डिंगली कीवर्ड देना होगा स्टेटमेंट देना होगा और दे सकते हो ओके सिंपल इनवैलिड का मैसेज आ गया ओके देन नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है इसको अगेन ये जो रिस्पांस होगा हमारा डिटेल्स होगी उसके अकॉर्डिंगली इसको इंक्लूड मेथड अगेन एचटीएमएल पेज के ऊपर जाना चाहिए राइट तभी हम फिर से लॉग इन कर सकते सेम पेज पे एरर होगा तो हमें मैन्युअली बैक जाना होगा फिर पासवर्ड इंटर करना होगा देन नेक्स्ट सर्वलेट के ऊपर आएगा तो उसको फिर से पीछे वाले पेज के ऊपर हमें रीडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको अगेन रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर विद द वेरिएबल आरडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर पैरामीटर्स तो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या आने वाला वैल्यू स्लैश इंडेक्स डॉट एस टी एम एल ओके देन आर डी डॉट इंक्लूड मेथड एंड रिक्वेस्ट एंड दिस वन ओके समझ में आया यहां तक विदाउट रीडायरेक्ट होगा टू द इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज राइट होगा तो नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होगा दैट इज अ वेलकम सर्वलेट सो नेक्स्ट अभी हम इसके अंदर क्या करना है जो वेलकम सर्वलेट है उसको भी थोड़ा सा डिजाइन है कुछ तो वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमें जो वेलकम मैसेज डिस्प्ले होने वाला है तो उस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे जो वेलकम पेज है उसको डिजाइन करेंगे ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आया कोड इतना ही कोड है आपको इस पेज के लिए रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट प्रिंटर आउट और आउटपुट के लिए देन स्ट्रिंग क्या करेंगे गेट पैरामीटर्स हमने यहाँ पे फेच कर दिए देन पासवर्ड चेक किया कि सर्वलेट है क्या नहीं ओके आपको चाहिए होगा तो एडमिन रख सकते हो या 123 रख सकते हो एबीसी रख सकते हो कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हो कोई इशू नहीं ओके तो उसके अकॉर्डिंगली पासवर्ड एंड यूजर नेम चेक करना है तो यूजर नेम भी चेक कर सकते हो दोनों भी चेक कर सकते हो देन एल्स के राइट होगा पासवर्ड तो सर्वलेट वेलकम सर्वलेट के ऊपर रीडायरेक्ट होगा फॉल्स होगा तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होगा देन नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे सर्वलेट ओपन करेंगे फॉर वेलकम
वेलकम के लिए क्या है, वेलकम सर्वलेट हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन में, सो वेलकम सर्वलेट। तो वेलकम सर्वलेट के लिए भी सेम जो पैकेज हमने ऐड किए थे लास्ट इसमें, तो सेम पैकेज हमें ऐड करने हैं, तो पैकेज ऐड करते हैं। तो ये तीन पैकेज थे, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ, द इम्पोर्ट जावा एक डॉट सर्वलेट एंड इम्पोर्ट जावा एक डॉट सर्वलेट HTTP। तो ये पैकेज हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। देन अगेन जो हमारा डू पोस्ट वाला मेथड है, तो ये जो डू पोस्ट वाला तो यहाँ पे हम फिर से सेम कोडिंग करेंगे। तो कोड के लिए जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट है ऐड डिटेल्स रहने वाले, कौन से दो स्टेटमेंट थे हमारे, रिस्पॉन्स एंड प्रिंटर आउट। तो एज इट इज हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो पैरामीटर्स पास करते हैं या जो भी वैल्यू सेट करना है, वो वैल्यू सेट करने के पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट होगा, इसी में नेम जो होगा हमारे यूजर का वो एज इट इज देना है। तो ये स्टेटमेंट भी एज इट इज होगा, नेम देन आउट डॉट प्रिंट एल एन देन। अभी हमें क्या करना है, वेलकम मैसेज यहाँ पे देना है, तो वेलकम बेसिकली बोल्ड कैपिटल में लिखते हैं थोड़ा सा वेलकम, देन आपका यूजर नेम, यूजर नेम क्या है, नेम जो पैरामीटर है उसके अंदर है, तो केस सेंसिटिव इसकी वजह से उसको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। वेलकम यूजर नेम ऑन दिस वेबसाइट, ओके सिंपल फोर लाइन का कोड है इसके अंदर भी। समझ में आया कि जो हमारा सर्वलेट होगा इस पेज पे आने के बाद विद पैरामीटर्स या जो रिक्वेस्ट होगा हमारा HTML के, तो यहाँ पे हम फेच करेंगे एंड जो नेम थ्रू वेलकम नेम वाला मैसेज डिस्प्ले करेंगे। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ सर, मतलब सर्वलेट का आपने दो पेज बनाया क्या, लॉगिन वाला? हाँ, दो सर्वलेट क्रिएट किए हमने। ओके, तो फर्स्ट हमारा HTML पेज है जिसे लॉगिन फॉर्म है। ओके, लॉगिन फॉर्म से रीडायरेक्ट होके हम क्या पे जाएंगे, हमारे लॉगिन सर्वलेट के ऊपर। लॉगिन सर्वलेट के अंदर दो ऑप्शन है, जैसे कल हमने बात किया था, कल के इसमें फिर से दिखाता हूँ। कल हमने क्या देखा था कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो मेथड है वो क्यों इन्वेंट हुई, कि जस्ट लाइक एक नॉर्मल क्लाइंट था हमारा या यूजर बोल सकते हैं। कल ये थोड़ा सा डायग्राम किया था हमने, यूजर एंड सर्वलेट वन ये था। तो ये क्या करता था, रिक्वेस्ट करता था एंड सिमिलर जो रिस्पॉन्स यहाँ पे आता था, ये नॉर्मल प्रोसेस होती थी, ये नॉर्मल प्रोसेस होती थी। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो सर्वलेट टू है ओके, उसके ऊपर जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फिर से एक मेथड लिखनी पड़ सकती है फॉर एन यूजर साइड ओके HTML पेज। उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था कि जो सर्वलेट होगा वो डायरेक्टली जो भी पैरामीटर्स या जो भी इंफॉर्मेशन उसको आ रही है एज अ रिक्वेस्ट एज इट इज उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा टू द सर्वलेट टू। तो हमने क्या किया, लॉगिन फॉर्म किया, लॉगिन फॉर्म के यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे हमने सेंड कर दिया टू सर्वलेट वन। तो सर्वलेट वन क्या करेगा, उसको चेक करेगा जो लॉगिन क्रेडेंशियल है उसको चेक करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो नेक्स्ट सर्वलेट होगा जैसे कि वेलकम सर्वलेट पेज के ऊपर क्या करेगा, हमें रीडायरेक्ट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वेलकम मैसेज ओके, वेलकम मैसेज हमें यहाँ पे आने वाला है एंड देन जो भी प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स होगा हमें यहाँ पे दिखाई देगा। यही था ना कल के सेक्शन में, कल हमने जो देखा, तो सेम यहाँ पे वही प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट किया। तो क्या किया,
कि फर्स्ट जो सहूलियत था लॉग इन सहूलियत, तो फर्स्ट जो हमने पासवर्ड चेक किया ये फॉर कंडीशन पर्पज, क्योंकि कि क्या होना चाहिए, या फॉरवर्ड हमें यूज करना है या इंक्लूड यूज करना है उसके लिए। ये तो फॉरवर्ड एज इट इज डेटा फॉरवर्ड करेगा, एंड इंक्लूड तो हम जो भी फर्स्ट पेज था उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन पास करने वाले। तो फॉरवर्ड क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है या कौन से पेज के ऊपर में डेटा फॉरवर्ड करना है, जैसे वेलकम सर्वलेट, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वेलकम सर्वलेट यूज किया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज किया, एंड इफ हमें उसको रीडायरेक्ट फर्स्ट वाले पेज के ऊपर करना है जहां से डेटा आया है, हमने रिक्वेस्ट लिया है एज अ रिस्पॉन्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंक्लूड पेज यूज करेंगे। ओके, दो सर्वलेट हम इसके अंदर यूज करें, एक HTML पेज यूज करें। ये फर्स्ट टाइम रन हो रहा है इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सिस्टम नया है इसके लिए। अलाउ ये तो सिंपल जो हमने फर्स्ट किया था, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन डालते एंड लॉग इन। तो आपको जो एरर मैसेज है, एरर मैसेज आ गया, पासवर्ड इज इनवैलिड। ओके, आ गया एरर मैसेज अगेन, या फिर से करते यूजर नेम कुछ भी हो, क्योंकि उसके लिए यूजर नेम के लिए हमने कोई भी कंडीशन नहीं दी, बट पासवर्ड के लिए दिए। सो पासवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, सर्वलेट। ओके, अगेन लॉग इन, तो यहाँ पे हमें मैसेज आ गया कि वेलकम एडमिन ऑन दिस वेबसाइट। ओके, तो दोनों सहूलियत के साथ हमने यहाँ पे कम्युनिकेट कर दिया, राइट। इफ हमारा पासवर्ड मैच नहीं होगा तो अगेन जो मैसेज जो हमें आएगा, एंड इफ पासवर्ड मैच हो गया हमारा, तो ओनली पासवर्ड भी आप इंसर्ट करोगे ना विदाउट यूजर नेम, सहूलियत एंड लॉग इन, तो भी आपका पेज जाएगा, क्योंकि हमने यूजर नेम के लिए कुछ भी कंडीशन यहाँ पे नहीं दी। ये देना है तो दे सकते हो, कि जस्ट लाइक अभी हमने इंसर्ट किया एडमिन एंड सर्वलेट, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा इंक्रीज करते। सो फॉर एंड एंड ये दो कंडीशन यहाँ पे करते, कि यूजर डॉट इक्वल पर यूजर नेम, नेम है ना, सॉरी नेम डॉट इक्वल्स, नेम क्या होना चाहिए, सजेशन सजेशन करो थोड़ा सा, क्या नेम रखो, ये पासवर्ड हमारा सर्वलेट फिक्स है, तो नेम क्या होना चाहिए, तभी हमें वो पेज दिखना चाहिए। एबीपी एंड ये कंडीशन मैच होगी तभी हम लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसको अगेन रन करते हैं, नॉर्मली चेंज कर एक रैंडमली कोई भी इनकरेक्ट, इफ हम इसको एबीपी पासवर्ड सर्वलेट, एबीपी अदरवाइज यहाँ पे चेंज करते, वन नहीं हुआ, केबीपी डालोगे यहाँ पे पासवर्ड कुछ और डालोगे तो भी ये लॉग इन नहीं होगा। तो आपके अकॉर्डिंगली कि आप जो भी कंडीशन डाल लोगे उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। इफ कोई भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंगली डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करें एंड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सपोर्ट, थैंक यू।